गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? बताइए मुझे। हाँ जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। कल टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टिश्यू के बाद हम ऑर्गन सिस्टम पे मूव करेंगे। ऑर्गन सिस्टम सारे एक एक करके, जैसे आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सारे सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, और अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम एक एक करके हमने कंप्लीट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और सैटरडे के जो मैराथन होगा उसमें भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स से मैं आपसे पूछूंगा। फाइन, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, सारे सिस्टम्स के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। फाइन, चलिए बात करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती है। लाइफ प्रोसेसेस, वो सारी प्रोसेसेस जो उसे जिंदा रखती हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो उसे जिंदा रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्रेन है, वो सारी प्रोसेसेस क्या है, आपकी लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। इन प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिएगी। इन प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। फूड से कैसे मिलेगी? फूड डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद सेल्स उन्हें अब्सॉर्ब करेगी, अब्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा, आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आपके डिफरेंट चीजों के लिए यूज होगी, चाहे वो बायोकेमिकल आपके कंपोनेंट्स बनाने हो, सब्सटेंस बनाने हो, चाहे वो आपको एक्सरसाइज के लिए जरूरत हो, चाहे वो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरत हो, वो सारी हमें किससे मिलती है एनर्जी? फूड से मिलती है। फाइन, सारी एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो इसके लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, बट उससे पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, वेजिटेटिव स्टेट है उनकी बॉडी की, उनकी सेल की। वो स्टेट मेंटेन करना यूनिवर्स में क्या है, उसके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए चाहिएगी। और वो एनर्जी के सोर्सेस क्या है, कैसे हैं, वो हम बात करेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए नोट्स ये मिल जाएंगे हिंदी में, और एनसीईआरटी रेफर करो, हिंदी की 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, मोर देन एनफ है। कुछ मत जाओ किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पे मत जाओ, या तो हमारे जो नोट्स मिलेंगे हिंदी के वो कर लो, या एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं है। और लगता हमें है कि ज्यादा टाइम लगेगा, इन क्लासेस के बाद एनसीईआरटी का चैप्टर 1 घंटे में हो जाता है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेता, इतना तो टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में सारी चीजें सीधी चली जाएंगी, थोड़ा टाइम दो चीजों को, थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी, मेहनत करो बस, समझो इस चीज को। फाइन, चलिए, अब लाइफ प्रोसेसेस मैंने बताया कि सारी प्रोसेसेस जो उसे जिंदा रखे हुए हैं, जो भी लिविंग बीइंग को, किसी जिसमें लाइफ है उसको जिंदा क्या रखी हुई है, लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल बताया कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी आपकी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। अब इन लाइफ प्रोसेसेस का कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है, सारी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, आपके कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। वेट ए मिनट, हाँ जी, सारा का सारा लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, और इन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूजुअली पहले डेफिनेशन होती थी कि जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाए, अब हमें पता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, जैसे आपका ग्लूकोज है, ये सारे आपके किस में आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। और जो फूड है,
फूड वी टेक इज डिफरेंट फ्रॉम द नीड, सो वी ब्रेक डाउन द फूड. फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, एटीपी में ब्रेक डाउन करते हैं. एटीपी हम यूज करते हैं, एटीपी हम यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स फॉर वेरियस फंक्शंस. टू कन्वर्ट फूड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी हमें क्या चाहिए? डाइजेशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन. डाइजेशन क्या होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए. ऑर्गेनिक यूजुअली क्या है, जो लाइफ हमारी ऑर्गेनिक मैटर में या कह लो लिविंग बींग्स में होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज आपके एग्जाम्पल है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के. हाँ जी, इनऑर्गेनिक का CO2, वॉटर, ये एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के. अब दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना, मैं जो चीज बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है याद करनी है वो याद करना है आपको. सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ज्यादातर को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिवाइड करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साथ साथ होगी, कोई कंपाउंड रिड्यूस होगा, कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो नए बच्चे हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो ध्यान से सुनो. रिडक्शन होती है जब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकले, इलेक्ट्रॉन आए और हाइड्रोजन आए. मतलब सिंपल सी बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका रिडक्शन होती है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बस इतना याद रखना. अब लाइफ प्रोसेसेस में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में आपने देखा है क्या होता है, CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज बनाती है, या आप कह सकते हो केमिक रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. रेडिएंट एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. ये होती है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आपकी रिड्यूसिव रिएक्शन है. क्या है आपकी रिडक्शन है. उल्टा बात करूं, फूड से एनर्जी मिलना आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है. क्या है आपकी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है. ये क्या है आपका, एनर्जी मिलेगी और फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा किसमें, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा किसमें, CO2 में, H2O में. बस इतना सिंपल याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. फोटोसिंथेसिस क्या है, हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी है, रिडक्शन होती है. फोटोसिंथेसिस में मेनली जो है CO2 को रिड्यूस किया जाता है फूड में, फूड को CO2 में ऑक्सीडाइज किया जाता है किसमें, रेस्पिरेशन में. ये बात ध्यान रखना, बस. गॉट दिस और नॉट? ठीक है. अब जो एनर्जी जो लगभग सबको मिलती है, ऑर्गेनिजम्स को, कंज्यूमर्स को, वो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन होती है आपका फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना फॉर एनर्जी, एटीपी के लिए. वो प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन. गॉट दिस? हाँ जी. अब मैं सीधा पहुंच गया, एनर्जी मिलेगी. फूड भी तो कैसे लेते हैं, फूड कैसे मूव करता है बॉडी में, वो भी चीज तो हमें सीखनी है. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आज का टॉपिक वो रहेगा. सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, वो कल की क्लास में करेंगे. फूड से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कैसे मिलेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन से. अब सेल तक फूड पहुंचाना भी तो है, वो कैसे पहुंचाओगे, जो हम खाते हैं वो सेल्स तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना, वो डाइजेशन के थ्रू जाएगा, वो हम डिटेल में बात करेंगे. वो हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करते हैं. ठीक है. देखो, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. सिंगल सेल में एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म का काम करती है, तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता
फॉर डाइजेशन, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उसी सेल में डाइजेशन हो जाएगी, सिंगल सेल में डाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि सारे एंजाइम्स उसी के अंदर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डाइजेशन आपकी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन सिस्टम में होती है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहली बात मुझे ये बताओ कि डाइजेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो, डाइजेशन का मतलब क्या है, कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन का मतलब क्या है, बताइए मुझे। हाँ जी डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन, सबने लिखा है, सिंपल समझो, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। अब कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, उसको ग्लूकोज में तोड़ना, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसको अमीनो एसिड में तोड़ना, अमीनो एसिड क्या है, उसकी बेसिक यूनिट है। प्रोटीन्स को किस में तोड़ना, अमीनो एसिड को में तोड़ना। लिपिड्स, लिपिड आपके फैट होते हैं, लिपिड्स को छोटे छोटे फैटी एसिड में तोड़ना। डीएनए आरएनए, उनको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना, जो उसकी बेसिक यूनिट है। कॉम्प्लेक्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बच्चे सोच रहे सिर्फ शुगर से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, लिपिड से भी मिलती है, डीएनए आरएनए से भी आपको एनर्जी मिल जाती है। डीएनए और आरएनए को भी तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। कोई भी फूड खाओगे उसमें सब होगा ना, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा थोड़ा बहुत, प्रोटीन भी होंगे, न्यूक्लियो डीएनए आरएनए भी होगा। उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर उसमें तोड़ना, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। समझो कि नहीं समझो, सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, लिपिड्स का छोटे फैटी एसिड में टूटना, समझ रहे हो। हाँ जी, अब न्यूट्रिएंट लेने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है आपका, जैसे हम है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक का मतलब आपका द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन इनजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टिंग, जैसे हम सॉलिड फूड खाते हैं ना, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। होलोजोइक हाँ जी, हाँ जी बेटा, डीएनए आरएनए भी टूटता है डाइजेशन में, डीएनए और आरएनए भी टूटता है। देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपने डीएनए आरएनए पहली बार सुना है, तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको थोड़े बेसिक अपने क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, ये जैसे ह्यूमंस एनिमल्स, ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, मतलब ये सॉलिड फूड लेते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफिटिज्म कह लो, सेप्रोफाइटिक डाइजेशन क्या है, जैसे जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, जो फूड को सड़ाते हैं, सिंपल सी बात है, जो फूड, जो आपके डिट्रिटस फूड है, डिट्रिटस फूड मतलब जो डिकम्पोज करना है, डेड बॉडी है, जैसे डेड प्लांट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना है, कौन करता है, फंजाई, हाँ जी फंजाई, आपका बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो अपना, जैसे बैक्टीरिया है कोई, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एंजाइम, अब बहुत से बच्चों को एंजाइम नहीं पता होगा, एंजाइम होते हैं
आपके प्रोटीन्स यूजुअली क्या होते हैं, प्रोटीन्स ये बॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें करवाते हैं। हमारी सेल्स में जो रिएक्शंस होती है वो कौन कराता है, एंजाइम्स कराते हैं, डाइजेशन भी एंजाइम्स कराते हैं, समझो इस बात को। एंजाइम्स बॉडी की रिएक्शंस को करवाते हैं, लिविंग बीइंग्स की रिएक्शन को कौन कराता है, एंजाइम्स कराता है। अब ध्यान दो, बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम्स निकालेंगे, अपनी बॉडी से क्या करेंगे, बाहर एंजाइम्स निकालेंगे, फूड को तोड़ेंगे बाहर, बॉडी के बाहर फूड टूटेगा, ये ध्यान देना। फूड कहां टूटेगा, बॉडी के बाहर फूड टूटेगा, कहां टूटेगा, फूड बॉडी के बाहर टूटेगा, और फिर उसे लेंगे, फिर उसे अपने अंदर लेंगे। दिस इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, गॉट दिस और नॉट? सिंपल सी बात है, हम अपने अंदर डाइजेशन करते हैं, जो फंजाई बैक्टीरिया है कुछ वो क्या करते हैं, बाहर एंजाइम्स छोड़ते हैं, बाहर डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर में बाहर तोड़े जाएंगे, फिर अंदर लेंगे वो, फिर फूड को, सिंपल फूड को अंदर लेंगे अपनी बॉडी के, और फिर उससे एनर्जी लेंगे। फाइन, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म जैसे पैरासाइट क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, हाँ जी, वो आपकी बॉडी से एनर्जी लेंगे, किसी होस्ट, होस्ट क्या हो गया, जैसे मलेरिया का पैरासाइट है उसके लिए मैं होस्ट हूं, होस्ट से क्या लेंगे, वो एनर्जी लेंगे, अपना फूड लेंगे होस्ट सेल से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। फाइन, अब जो जो आपके छोटे, अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, जैसे लाइस जुए हैं, जैसे टिक्स होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं, वो क्या होते हैं, जोक होगी आपकी, जोक समझते हो, लीच वो पैरासिटिक अब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा क्या करते हैं, देखो स्टेप क्या होता है, पहले इंजेशन होता है, क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन मतलब फूड का इनटेक, फूड का इनटेक, फूड का इनटेक लिया, किया, ठीक है, फूड का इनटेक हुआ, फिर इनटेक होने के बाद डाइजेशन, डाइजेशन क्या होगा, एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करेंगे, वो सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ देंगे। थर्ड स्टेप है अब्जॉर्प्शन। अब एक बात बताओ, जब आपका फूड सिंपल उसमें टूट गया तो वो अब्जॉर्ब होना चाहिए किसमें, सेल बॉडी में, ताकि उसकी क्या कर दी जाए, ताकि वो यूटिलाइज कर पाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो क्या होती है, अब्जॉर्प्शन, वो क्या होती है, अब्जॉर्प्शन। देन असिमिलेशन, असिमिलेशन है जो फूड अब्जॉर्ब हो गया, जो फूड अब्जॉर्ब हो गया उससे एनर्जी लेना, प्रोसेस क्या कहलाती है, असिमिलेशन। एंड फाइनली जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट बच गई है उसको बाहर निकालना, इजेशन, उसको बाहर निकालना क्या है, इजेशन। देखो पांच स्टेप हो गए, पांच स्टेप कौन कौन से हैं, ध्यान देना, इंजेशन फूड को अंदर लेना, फूड को बॉडी के अंदर लेना कैसे भी, अब्जॉर्प्शन से, स्वेलिंग से, फाइन। फिर आपका डाइजेशन, डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, देन अब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जॉर्प्शन, द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म, जहां वो ब्रेक डाउन होंगे फॉर द एनर्जी, किस चीज के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी आपका क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये क्या है आपका, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ये आपका किस चीज के लिए यूज होता है, बॉडी में कहीं भी एनर्जी चाहिएगी एटीपी यूज होगा। फाइन, इजेशन जो एक्स्ट्रा बच गया उसे बाहर निकालना, उसे बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। फाइन, चलिए।
देन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता देता हूँ, थोड़ी ये टर्म बस पता होना चाहिए। जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इन सबको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा कि जो सनलाइट से एनर्जी ले, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करें। एक टर्म और लिख लो सभी बच्चे, आप ये टर्म लिखो कीमो ऑटोट्रॉप्स। लिखो ये टर्म, पूछी गई है यूपीएससी में, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स भाई, बताओ, किसी को बताए दो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी, कीमो ऑटोट्रॉप्स। हाँ जी, कीमो का मतलब हमेशा ध्यान रखना केमिकल होता है, ठीक है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते ना फूड से लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपनी एनर्जी लेते हैं। ये किससे लेते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लाइक अमोनिया से अपनी एनर्जी लेंगे। ये किससे एनर्जी लेंगे? अमोनिया से अपनी एनर्जी लेंगे। इनको बोलते हैं हम क्या? कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसे नाइट्रोजन सिंथेसिस में कीमो ऑटोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है ना, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें रोल होता है किसका? कीमो ऑटोट्रॉप्स का। ध्यान देना बच्चे, ये ग्लूकोज भी यूज नहीं करते, स्टार्च भी यूज नहीं करते, ना ये सनलाइट यूज करते, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज करते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। अमोनिया क्या होता है भाई? NH3। हाँ जी, फाइन। चलिए बेटा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अमोनिया क्या होता है, मिथेन क्या होता है, ये चीजें समझो। फाइन, हेटरोट्रॉप्स हो गए, जो फूड लेते हैं किसी से, जो किसी से फूड लेते हैं। जैसे हम हेटरोट्रॉप्स हैं, हम क्या है? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हम हमारा फूड किससे लेते हैं? हम हमारा फूड प्लांट से या अदर एनिमल से लेते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स हैं। फाइन, कीमोऑटोट्रॉप्स, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों के लिए, कीमो का मतलब होता है केमिकल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर एनर्जी ले, सन से भी नहीं ले रहा और फूड से भी नहीं ले रहा, ये क्या करता है? जैसे अमोनिया है, अमोनिया से अपनी एनर्जी ले लेता है। किससे ले लेता है? अमोनिया से अपनी एनर्जी ले लेता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये अमोनिया को रिड्यू ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है NO2 में, या NO3 कह लो, उसमें कन्वर्ट करते हैं। बीच में एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ये ATP बना लेते हैं। उस ATP से आपका कुछ भी अपनी बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। समझो कि नहीं समझो? फाइन, चलिए H2S का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हो भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया ना, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमनास, ये क्या है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमनास, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल पढ़ेंगे, उसमें होते हैं ये। फाइन, अब बेटा इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, 10th तक रखते हैं, 9th 10th तक। मैं इसीलिए, देखो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनको मैंने बोला नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोजोनास, उन्होंने फटेक से पकड़ लिया, या जो पढ़ के आया है, जो मेहनत कर रहा है, वो फटेक से पकड़ लेगा। फिर कुछ बच्चे हैं, इसलिए मैं इतना डीप नहीं जाता, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तभी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि थोड़ी मेहनत करो,
अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों ने बहुत पहले एनसीईआरटीज पढ़ी है, बट सजेशन यही है कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, अगर आप बेसिक चीजें भी नहीं करोगे यू विल नॉट गो थ्रू। सीधी सी बात है, बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बेसिक एनसीईआरटीज किसी भी चीज की है, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, 10th तक की साइंस पढ़नी पड़ेगी। बहुत क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है, और ये आपको पार लगा देगा या पीछे खींच देगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली लेते हो। मैं जो लेवल रख रहा हूं वो उतना रख रहा हूं, कई बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आसान लग रहा है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो तो आपको ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, आपको बेसिक थोड़े बहुत पता है इट विल बी फाइन फॉर यू, आपकी एनहांसमेंट होगी, मेहनत करो ये चीज। बुक मत खरीदो, एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी 9th 10th की, वो करो, और यहां से भी पीडीएफ आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, सारी पीडीएफ मिलेगी यहां से, फाइन। अगली क्लास में रेस्पिरेशन होगा, इस क्लास में डाइजेशन हुआ है, अगली क्लास में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन सिस्टम होगा, दो करवाऊंगा इकट्ठे ही, सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, नेक्स्ट क्लास में लिख लो चाहे, फाइन। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। देखो भाई, एलिमेंट्री कैनाल समझो, फूड पाइप, माउथ से लेके एनाल तक, एनएस तक आपकी क्या है, फूड पाइप है, माउथ से लेके पूरी की पूरी एक पाइप है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा, जो आपका फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, सारी आपका फूड वहीं से होके जाता है, फ्रॉम माउथ टू एनाल, एनएस तक जो एनाल आपका पोर है वहां तक आपका एक पूरी पाइप है, ये समझो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अब ध्यान से सुनो, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, माउथ जो हमारे लिप्स के बीच में है, जो ओपनिंग है वो माउथ कहलाती है, बक्कल कैविटी जो जिसमें हमारी टंग टीथ सब प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी। फायरनेक्स आपका जो है ये कनेक्टिंग लिंक है इसोफेगस, और मैं बात करूं तो आपका बक्कल कैविटी को या नेजाल कैविटी को, ये दोनों कैविटी, ये कॉमन पैसेज होता है आपका किसका, नेजाल मतलब, नेजाल कैविटी मतलब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम का और डाइजेशन सिस्टम का, ये कॉमन आपका क्या होता है, कॉमन पाइप होती है, ये समझो कॉमन पाइप होती है। उसके बाद एक लंबी सी इसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप होगी, लंबी सी पाइप है जो आपके स्टमक तक जाती है, किस तक जाती है, पेट तक जाती है, जो किस तक जाएगी, आपके स्टमक तक जाएगी, सब डिटेल में करेंगे डोंट वरी। फिर आपकी स्टमक से, स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है, डाइजेस्ट होता है, डिटेल में कराऊंगा ये सारी, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे डिटेल में क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं डिटेल में ही कराने वाला हूं। लार्ज इंटेस्टाइन, पीपीटीज भी डलवा दूंगा, पीडीएफ के साथ पीपीटीज भी डलवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, जहां से फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम इजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। साथ में क्या है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ग्लैंड का मतलब समझो कि जो जिसके अंदर कुछ केमिकल्स बने, और वो केमिकल्स हमें फूड डाइजेशन की, पाचन के लिए हेल्प करते हैं, फूड डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक, जिन बच्चों को गैस्ट्रिक का मतलब नहीं पता, पेट की है ये, पेट की जो अगर मैं बात करूं सिक्रेटरी ग्लैंड है, पेट की, स्टमक की।
लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, डिटेल में करेंगे। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। साथ में ये क्या है आपका एंडोक्राइन, मतलब इंसुलिन और ग्लूकोजन प्रोड्यूस करती है, डिटेल में ये बात करूंगा मैं। इंटेस्टाइनल, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है, उसमें भी एंजाइम होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं एंजाइम। इस क्लास के बाद पूरा रिवीजन भी कराऊंगा एक साथ पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम रिवीजन भी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा, ठीक है। एक एक करके सबका सबकी बात कर लेते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल यहां से शुरू होके और आपका एनस तक जाती है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ, ठीक है, फाइनेक्स, फाइनेक्स के बाद ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक आ जाता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका एनाल पोर आ जाता है, ठीक है। ग्लैंड कौन कौन सी, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, लीवर आपकी लीवर, पेनक्रियास, और क्या होता है स्टमक की ही जो सेल्स हैं या इंटेस्टाइन की ही जो सेल्स हैं वो भी जूस डाइजेशन के लिए, जूस मतलब एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, वो भी क्या करती हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान से सुनिए, माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ सबको पता है क्या है, लिप्स के बीच में, माउथ लीड्स इनटू द बक्कल कैविटी, दो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स होते हैं, ये सबको पता है, बेसिक चीज है। बक्कल कैविटी क्या है, आपकी जोज जिसमें प्रेजेंट है, एक दो जोज के बीच में आपकी क्या है बक्कल कैविटी है। यहां जो काम है टीथ का मेन काम है, जीभ का काम है, जीभ आपकी मतलब टंग का काम है। दिस हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, मेस्टिकेशन समझते हो चबाना, चबा के उसको तोड़ती है, तोड़ के उसको बोलस में कन्वर्ट करती है। बाउलस क्या है आपका, उसको गीला कर देती है। अगर मैं बात करूं स्लाइवा रिलीज करके फूड को मेस्टिकेट करना, मतलब मेस्टिकेट करना मतलब तोड़ना, चुए चुए करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। बेटा छोटे टुकड़ों में तोड़ना इसलिए जरूरी है कि एंजाइम उस पर काम कर पाए, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। एक बात बताओ, एक ये पेन है या कुछ भी चीज है, इसके बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर दे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा क्या, अभी ज्यादा है, तोड़ेंगे तब सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा, तो एंजाइम ज्यादा काम कर पाएंगे इस पे, समझो इस चीज को। इसलिए फूड को तोड़ना पड़ता है, और वो तोड़ने का काम कौन करता है, वो तोड़ने का काम हमारा टीथ करते हैं, कौन करता है टीथ, और उसको मिक्सिंग का काम हमारी जीभ और स्लाइवा करता है। देखो अब जो टर्म्स मैं बोलूंगा ना कि ये जरूर से जरूर याद करनी है, वो करनी ही करनी है, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। टीथ क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, किसके लिए, होल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। एक टर्म है जो ह्यूमंस हैं वो डायफायोडोंट है, उनके दो सेट ऑफ, ये देखो डाय का मतलब होता है टू, टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं एक अडल्ट के टीथ होते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, जो डायफायोडोंट मतलब इनमें क्या होते हैं दो सेट ऑफ, क्या आते हैं दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, ये वर्ड वर्ड आपको याद करना है। ईच टूथ हैज फिटेड इन गम, आपके जबड़े जो होते हैं इसमें गम्स में क्या होता है फिट होता है, इस चीज को बोलते हैं थायकोडोंट। थायकोडोंट मतलब आपका जो है टीथ आपके जबड़ों में फिट होता है, इस चीज को क्या बोलते हो आप थायकोडोंट। फाइन, ये टर्म भी आपको याद करनी है, जब आपका फिट होते हैं क्या टीथ किसमें, गम्स में, गम्स में फिक्स होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं थायोकोडेंट। अब आपको टीथ फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, टीथ फॉर्मूला क्या है, टीथ फॉर्मूला क्या है भाई, चार टाइप के हैं। हेट्रोडेंट टीथ हमारे, हेट्रोडेंट का मतलब होता है बच्चे हेट्रोडेंट मतलब अलग अलग टाइप के टीथ, हेट्रो मतलब अलग, अलग अलग टाइप के आपके टीथ होंगे, कैसे
कैसे अलग अलग टाइप के टीथ हैं, डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, चार टाइप है, इंसीजर्स, कैनियंस, इंसीजर्स आगे वाले जो किसके काम आते हैं, कटिंग और बाइटिंग के, कैनियंस जो लंबे टीथ होते हैं टीयरिंग के काम आते हैं, प्रीमोलर क्रशिंग ग्राइंडिंग, मोलर टीथ जार्ड जिसे बोलते हैं क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन। ये देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। देखो दो आपके क्या हो गए, हाँ जी दो इंसीजर्स हो गए, एक क्या होगा, हाँ जी एक क्या होगा कैनाइन, दो क्या हो गए प्रीमोलर, तीन क्या हो गए मोलर, मतलब आठ ऊपर आठ नीचे, आठ ऊपर आठ नीचे, टोटल टीथ कितने होंगे भाई 32, टोटल टीथ कितने हो गए भाई 32 टीथ हो गए कि नहीं हो गए, ये याद करना ही करना है। फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, ये यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। फाइन, क्लियर, आगे बढ़े। फिर सलेवरी ग्लैंड, अब सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, देखो ये ना छोटी छोटी ग्लैंड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। देखो मेस्टिकेशन का मतलब होता है जो हम चबाते नहीं है, प्री मोलर और मोलर टीथ यूज करके ऐसे ऐसे करके चबाते हैं, उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, उसको मेस्टिकेशन बोलते हैं। अब सलेवरी ग्लैंड, देखो आपकी बुक्स में तीन टाइप की दी होगी, पैरोटिड कान के नीचे, किसके नीचे होती है, ईयर के नीचे होती है। फाइन, ध्यान से सुनना ठीक है, सब मेडुबुलर मतलब आपके जो नीचे वाला जो है उसके नीचे है, सब लिंग्वल, लिंग्वल का मतलब जीभ, जीभ के नीचे, ये तीन टाइप की है। बट ध्यान से सुनना, करंट अफेयर्स में 2020 में नेजाल सलाइवरी ग्लैंड भी मिली है। नेजाल सलाइवरी ग्लैंड का मतलब है नाक के नीचे, ये चीज आपने आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं होगा, आपकी बाकी बुक्स में भी नहीं होगा, नेजाल सलाइवरी ग्लैंड, नेजाल सलाइवरी ग्लैंड रिसेंट डिस्कवरी है, आपकी नाक के नीचे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फाइन, ये ध्यान रखना, करंट बेस्ड है ये, किसी को पढ़ना है द हिंदू में 2020 में आर्टिकल आया था, उसमें पढ़ सकते हो। फाइन, ये अब हम आते हैं इसका काम क्या है, स्लाइवा, स्लाइवा रिलीज करता है। आप कहोगे स्लाइवा में क्या क्या होता है, स्लाइवा में दो चीज मेन है, वैसे तो तीन चीज है, एक तो प्रेजेंट होता है आपका, हाँ जी बच्चे ने लिखा भी है, पिटलाइन या अमाइलेस, अमाइलेस जहां अमाई वर्ड आ जाता है, ये क्या है स्टार्च की डाइजेशन में यूज होता है, किसमें, स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है, किसको पचाता है, स्टार्च को। ध्यान रखना 40% जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्लाइवरी ग्लैंड के कारण होती है, अमाइलेस, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, किसकी ब्रेक डाउन करता है बच्चे, ये स्टार्च को तोड़ता है, सिंपल। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपका इसमें वेरियस, आप अगर मैं बात करूं छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स आपका सोडियम पोटाशियम वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। थर्ड इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, ये आपकी आप कह सकते हो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोला मैंने, फर्स्ट तो हमारी स्किन होगी ना, मैकेनिकल डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बैक्टीरिया वगैरह ना स्लाइवरी ग्लैंड से क्या करते हैं, हाँ जी स्लाइवरी ग्लैंड जो है आपका बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती है, समझो कि नहीं समझो, एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो मेन दो काम क्या हो गए सलाइवरी ग्लैंड के, बताओ मुझे, मेन दो काम तीन कह सकते हो, एक तो फूड को गीला करती है, बाउलस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, एक काम हो गया आपका स्टार्च को तोड़ना, दूसरा काम क्या हो गया भाई, दूसरा काम क्या हो गया इसका, बैक्टीरिया को किल करना।
हाँ 10th लेवल तक की होगी। यहाँ जो हो रहा है ना आपका 80-90% इस क्ला इन क्लासेस से आएगा। मैं कंप्लीट डिटेल्ड करा रहा हूं 10th क्लास तक, ठीक है। हाँ जी, टंग क्या करती है? मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है। देखो एक तो टंग के ऊपर आपके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कौन से? टेस्ट रिसेप्टर। दूसरा ये हेल्प करती है आपका क्या बनाने में? बाउलस। बाउलस हो गया जो आपका गीला फूड हो जाता है, एक बाउल उसमें जो अंदर जाएगा इसोफेगस में जाएगा वो क्या होता है? आपका बाउल्स, ठीक है। अब जब स्वेलो करते हो मतलब गटकते हो, जब गटकते हो तो क्या होता है? आपका एक ऑर्गन होता है एपिग्लोटस। ऑर्गन नहीं मतलब एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी विंड पाइप को ढक लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपिग्लोटस याद रखना। एपिग्लोटस क्या होता है? हाँ जी, एपिग्लोटस आपका विंड पाइप को ढक लेता है। एपिग्लोटस क्या करेगा? आपका विंड पाइप को ढक लेगा ताकि जो फूड है वो आपका विंड पाइप में ना जाए। समझो इस चीज को, विंड पाइप में ना जाए। गॉट दिस और नॉट? आपका जो फूड है वो विंड पाइप में कौन रोकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंसर क्या है? एपिग्लोटस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो विंड पाइप को ढक लेगा। विंड पाइप को ढक लिया मतलब आपका फूड उसमें जाएगा ही नहीं। ईसोफेगस, ईसोफेगस आपकी लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है? पाइप है जो आपका फायरनेक्स से कनेक्ट करती है किसको? स्टमक को। फायरनेक्स से कनेक्ट करती है स्टमक को, ठीक है। इसमें ये टर्म याद रखनी है, पेरिस्टेल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट। जो देखो कॉन्ट्रेक्शन, ये देखो वेव लाइक मूवमेंट के कारण फूड आपका नीचे धकेला जाता है। दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये डायग्राम देखो। हाँ जी, ये देखो आपका फूड नीचे आता जाएगा। ये क्या है? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टेलेसिस, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पानी को नीचे ले जाएगा, ये पानी को। गॉट दिस और नॉट? खाने को, सॉरी खाने को ये क्या है? नीचे लेके जाएगा। सौरभ आज आपके दोनों क्लासेस के नोट्स डल जाएंगे। फाइन, दोनों क्लासेस के नोट्स डल जाएंगे। स्टमक, हाँ जी, स्टमक क्या है? अब जो खाना ईसोफेगस से गया स्टमक में जाएगा, ठीक है। ये पढ़ तो आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो अच्छे से। स्टमक में खाना एंटर किया, स्टमक की चार चीजें याद रखनी है आपको। स्टमक में चार चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टमक की चार चीजें, हाँ जी, याद रखनी है। पहली कि स्टमक में कुछ चीजें रिलीज होती है, उन चारों चीजों को, चार नहीं तीन कह लो, किस किस चीज की डाइजेशन होगी, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। देखो स्टमक जो है उसमें HCl प्रोड्यूस होगा, ध्यान देना। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? HCl। HCl क्या होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकंड चीज, पेप्सिन प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। आपसे कोई पूछे स्टमक में किस चीज की डाइजेशन होती है तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन की डाइजेशन, क्योंकि पेप्सिन प्रोड्यूस होता है। फिर आपका म्यूकस प्रोड्यूस होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है। यूजुअली क्या होता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जो है पेप्सिन ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किसके अंदर? स्टमक के अंदर। जो HCl है वो स्टमक का एनवायरनमेंट, स्टमक का पीएच, मतलब पीएच होता है जिससे आप एसिडिटी नापते हो, पीएच को कम कर देता है। यूजुअली जो है
1.72 आपका 3.8 के आसपास या 4.7 कुछ बुक्स में लिखा होगा आपकी डाइजेशन, आपकी जो स्टमक की पीएच है वो बहुत लो होती है, स्टमक की पीएच लो है। तो एक बात बताओ, जब आपका एसिडिक जूस बना है वो आपकी सेल्स को नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो आपकी सेल्स को नुकसान करता है कि नहीं करता? सेल्स को नुकसान करता है कि नहीं करता, मुझे बताओ। तो उसको अपने स्टमक को भी तो बचाना है, अपने स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस की लेयर बनती है आपकी पूरी स्टमक सेल्स के ऊपर। पूरी की पूरी स्टमक सेल्स पे क्या बनती है? म्यूकस की लेयर बनती है। ध्यान देना, ये तीन चीजें समझ आई कि नहीं आई? एक्सियल एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा, इसके दो काम है। एक तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, किसको? पेप्सिन को। दूसरा, अगर कोई बैक्टीरिया आया है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? चांस है ना, 99% ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड इन योर स्टमक अगर वो वहां पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट की आदत ही नहीं है। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा? आपके प्रोटीन्स को छोटी छोटी चेन्स, अमीनो एसिड की चेन में तोड़ेगा, जिसको क्या बोलते हो आप? पेप्टाइड। छोटी चेन, अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन्स को आप क्या बोलते हो बच्चे? पेप्टाइड। क्या बोलते हो? पेप्टाइड। वो छोटी छोटी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को तोड़ देगा, ठीक है? फाइन। अब एक और चीज सुन लो, बच्चों में, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में ये लिखा दिख रहा है आपको, रेनिन। 2 से 3 साल तक के बच्चों में पेट में रेनिन प्रोड्यूस होता है। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना है। नाम ध्यान से सुनना, RENNIN है, RENNIN। ये एक सिर्फ बच्चों में प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम है पेट के अंदर, जो उन्हें मिल्क पचाने में, मिल्क डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझो कि नहीं समझो? RENIN ये आपका एक कह सकते हो हार्मोन है। RENIN अलग है, RENNIN अलग, ये चीज ध्यान देना। ये क्या है? एक हार्मोन है जो वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी में हेल्प करता है। समझो कि नहीं समझो? दोनों में डिफरेंस है और ये क्वेश्चन बना है बहुत बार। किडनी में प्रोड्यूस, किडनी में काम करता है रेनिन। किस में काम करता है? किडनी में। दोनों में एक एन का फर्क है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे बताओ, फिर फूड क्या है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये सब चीजें जो रिलीज होती हैं, थोड़ा सा, एक छोटा, बहुत थोड़ा लाइपेज भी प्रोड्यूस होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते। किसमें? स्टमक में। तो जो स्टमक से जो फूड हुआ वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? चाइन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? चाइन। उसमें दो चीज डाइजेस्टेड हो गई है, थोड़ा बहुत आपका स्टार्च डाइजेशन हो गई है जो मुंह के अंदर हुई थी, फिर आपका प्रोटीन्स भी आधे डाइजेस्ट हो गए हैं। ये चाइन जो है ये जाएगा आपका किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किसमें जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किसमें जाएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये समझो कि नहीं समझो? बताओ मुझे। फाइन। अब बताओ स्टोमक में, मुझे रिपीट करो, आप सभी लिखो कि स्टोमक में क्या क्या होता है, भूलोगे तो नहीं। एचसीएल प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, पेप्सिन प्रोडक्शन। एचसीएल एसिडिक बनाता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लेयर को। एसिडिटी क्या होती है बताओ? एसिडिटी क्या होती है? आपकी स्टमक की सेल एचसीएल के टच में आ जाए, जलन होगी कि नहीं होगी? जलन होगी ना, वो एसिडिटी होती है। और उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, जिसे हम, जो बेसिक होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन्स को तोड़ता है। पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन्स को तोड़ता है। रेनिन सिर्फ बच्चों में होता है। क्लियर है?
क्लियर है, चले आगे। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग लगभग 5 से 7 मीटर, 20-22 फिट की होती है नॉर्मल अडल्ट में। कितना? 20-22 फुट की होती है, ये फीट की होती है किसके अंदर? नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है, लगभग 5 से 7 मीटर, 7 मीटर के आसपास, नॉर्मली नॉर्मली 7 मीटर के आसपास होती है। बिल्कुल ठीक बात है, 22 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुइनम एंड इलम। ये तीन पार्ट हैं, जो स्टमक के पास वाला वो ड्यूओडेनम, बीच वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है वो इलम। ये तीन पार्ट है। ठीक है, मेन जो काम है इंटेस्टाइन का, फूड डाइजेशन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ध्यान देना, पूरी बात सुनना मेरी अब। ठीक है, चलो अब मेरी अच्छे से पूरी बात सुनो। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब डाइजेशन कैसे होती है वो ध्यान से सुनना, पहले मेरी ध्यान से बात सुनना। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से आपका जूस आता है कुछ। वो जूस कैसे आता है? फाइनल डाइजेशन यही होगा। ध्यान से सुनो अब मेरी बात, आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है। पेनक्रियाज में एक जूस बनता है, किसमें बनता है? पेनक्रियाज में। वो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, और वो डायडेनम में आके रिलीज होता है। वो किसमें आके रिलीज होता है? डायडेनम में आके रिलीज होता है। फाइन, साथ में पेनक्रियाटिक जूस के साथ में बाइल जूस भी आता है। क्या आता है? बाइल जूस भी आता है, उसकी भी बात मैं करता हूं। ठीक है, दूसरा ये आ गया कहां? ड्यूओडेनम में। जेजुइनम में क्या आता है? आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन की ही ग्लैंड होती है। किसकी ग्लैंड होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ही ग्लैंड होती है, समझ लो। हाँ, गाल ब्लैडर पित्त बोलते हैं, वहां से आपका बाइल जूस आता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में नहीं बनता, लीवर में बनता है, वो मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का भी जूस प्रोड्यूस होता है, उसमें भी वेरियस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें भी वेरियस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये मेनली अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसमें सबसे ज्यादा माइक्रोविले प्रेजेंट है। माइक्रोविले क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्स। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों? क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे? ये क्या है, सरफेस, अराउंड 4 मिलियन सच प्रोजेक्शंस होती हैं। तो वो क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अभी मैं इस चीज को डिटेल में बात कर लेता हूं जो मैंने बोला। देखो, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? आपका बाइल जूस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की। ठीक है, द लीवर सेल सिक्रेट बाइल। इसमें क्या होता है, आपका जो है बाइल सोल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट होता है। ये नाम चाहे याद मत करो, वैसे बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन इतना मुश्किल नाम नहीं है, याद कर सकते हो। ये स्टोर होता है आपका कहाँ? स्टोर होता है ये आपका गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली जो होती है गाल ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है वहां से। ये क्या, अब ये बाइल जूस करता क्या है, क्यों इतना नेसेसरी है? ये लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। लिपिड डाइजेशन इनके बिना बहुत स्लो हो जाती है, ध्यान देना। बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? लिपिड डाइजेशन। क्या होता है? लिपिड डाइजेशन
ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझो, ये क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में लिपिड्स को तोड़ देगा ताकि उस पर लाइपेज एंजाइम काम कर पाए। लिपिड को कौन सा एंजाइम तोड़ता है भाई, लिपिड को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। लिख लो चाहे ये चीजें, लाइपेज को हेल्प करता है बाइल जूस फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए लाइपेज को हेल्प करता है बाइल जूस, क्योंकि वो लिपिड्स को छोटे छोटे उसमें इमल्सिफाई कर देता है। समझोगे नहीं समझो, तभी तो कहते हैं ना, जिसकी पित्त की थैली निकल गई, जिसका गाल ब्लैडर निकल गया, उसको घी कम खाना चाहिए। हाँ जी, उनको घी कम खाना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि लाइपेज पचाएगा नहीं, यही तो कहते हैं। हाँ जी, अब ये रट्टा मारना फंक्शन ऑफ लीवर का, फंक्शन ऑफ लीवर का। लीवर क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर एंड अमीनो एसिड लेवल। फाइब्रोनोजेन प्रोड्यूस करता है, प्रोथ्रोम्बिन यूज करता है जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, स्टोर्स आयरन कॉपर विटामिन ए एंड डी को स्टोर करता है, प्रोड्यूस हेपरिन, एंटीकोगुलेंट है, मतलब खून को जमने नहीं देता। वो कहां प्रोड्यूस होता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग्स को और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है लीवर, यूरिया भी प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपका यूरिया भी प्रोड्यूस करता है। फाइन, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, आपकी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे, सर ये तो नए वर्ड है, हमें क्या पता क्या है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करती है। हेपरिन आपका प्रोड्यूस होता है खून को जमने ना दे, खून को बाहर, जैसे देखो वो जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो थैली में पहले कुछ प्रेजेंट होता है ना, येलो येलो, वो हेपरिन है, ताकि आपका ब्लड कोगुलेट ना हो, जमा जम ना जाए। समझोगे नहीं समझो, सिंपल नोटिस किया करो ना ये चीजें। ब्लड डोनेशन में जाते हो उसमें येलो येलो लिक्विड नहीं होता। फाइन, चलिए उसके बाद पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी, सिंपल भाषा में बताता हूं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो क्या करती है, आपका कुछ कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो ट्यूब ट्यूब से, ट्यूब मतलब किसी भी आपका अपने टारगेट पे कहां पहुंचेगी, वो एक डक्ट के सहारे पहुंचेगी। डक्ट का मतलब एक ट्यूब के सहारे अपने टारगेट पे पहुंचती है, वो आपकी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, वो सीधा ब्लड में कर देती है और ब्लड से वो अपने टारगेट में पहुंचता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जैसे आपकी जो है, हाँ जी, थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो ब्लड में छोड़ देगी, उसे जहां काम करना है वो करेगा। एक्सोक्राइन क्या होती है, अपना डक्ट्स होती है वो पर्टिकुलर जगह पे ही छोड़ेंगे। समझो कि नहीं समझो, अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का मतलब आपका पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस किया इसने, वो पैनक्रियाटिक जूस में आपके एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स, ध्यान से सुनना, लाइपेज। लाइपेज किस डाइजेशन में हेल्प करेगा बताओ मुझे, लिपिड की। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह ये काम करते हैं, ध्यान सुनना। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हेल्प करते हैं प्रोटीन डाइजेशन में, बताओ मुझे किस में हेल्प करते हैं ये, प्रोटीन डाइजेशन में।
और यहां भी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है। अमाइलेज किससे काम करेगा? स्टार्च के डाइजेशन में। समझो कि नहीं समझो, बोलो मुझे। प्रोटीन में कौन सा काम करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। प्रोटीन्स के लिए कौन सा काम करेगा? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। अमाइलेज किस पे काम करेगा? स्टार्च की डाइजेशन पे काम करेगा। समझ लो, लाइपेज लिपिड की डाइजेशन पे काम करेगा। समझ गए हो कि नहीं समझ गए? ये क्या करता है? पेनक्रियाज में प्रोड्यूस हुआ और गाल ब्लैडर में क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस नहीं, मतलब जमा हो रखा बाइल जूस। वो एक डक्ट के सहारे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइडेनम में जाके रिलीज हो जाएंगे और वहां डाइजेशन करेंगे। फाइन, देखो इंटेस्टाइन में जाके ये डाइजेशन करेंगे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये उसका एंडोक्राइन पार्ट है जो हम अलग चैप्टर में करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट जो है किसका? पैनक्रियाटिक का। दो चीज प्रोड्यूस करता है क्या? इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकोजन। बस ये याद रखना, आगे हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे इसका, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, इंसुलिन का काम क्या होता है और ग्लूकाजन का काम क्या होता है। फाइन, अब आपने पढ़ लिया ये वर्ड और याद करो, सक्कस एंट्रिकस। ये होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। इसमें आपका वेरियस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, और लिख देता हूं न्यूक्लियस। आप कहोगे सर ये एंजाइम किस चीज को तोड़ते हैं? जैसे आपका अमाइलेज क्या करता है? ग्लूकोज में नहीं तोड़ता, वो माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टेज क्या करेगा? जो आपका, जैसे देखो स्टार्च टूटी माल्टेज में, माल्टेज से वो टूटेगा ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? माल्टेज एंजाइम। या लैक्टेज है, लैक्टेज में होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो उसको देखो स्टार्च किसमें टूटा? लैक्टोज में टूटा। लैक्टोज को किसमें, किसने तोड़ा? लैक्टेज ने तोड़ा किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फाइनली ये समझो कि बिल्कुल सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाता है किस जूस से? सक्कस एंट्रिकस, ये नाम याद करना है, या मैं बोलूं इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या करता है? जो बचा खुचा बचा है, जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये कुछ नहीं है, ये किसकी प्रोडक्ट है? स्टार्च डाइजेशन की प्रोडक्ट है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। लाइपेज लिपिड को तोड़ देगा। न्यूक्लियस आपका डीएनए आरएनए के बिल्कुल बेसिक चीजों में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? डीएनए और आरएनए को तोड़ देगा, सिंपलर न्यूक्लियोटाइड में। समझो इस चीज को, सिंपल मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स फिर क्या जाएंगे? आपका एलम में मूव कर जाएंगे, जहां आपका फूड क्या है? माइक्रोविली विली के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाएगा और यूज होगा सेल्स द्वारा फॉर देयर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा है वो पहुंच जाएगा अनडाइजेस्टेड और अनऑब्जर्व। इसमें काइकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है, बस ये याद करना है और कुछ नहीं। इनमें कोई खास चीज नहीं होती, बस ये याद रखना। इसमें ना एक स्मॉल पाउच प्रेजेंट होता है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजाइल ऑर्गन है। वेस्टिजाइल ऑर्गन का मतलब अनफंक्शनल है, फंक्शनलेस है। पिग वगैरह में वो फंक्शन करता है डाइजेशन में। अपेंडिक्स किसी को होता है उसका मतलब क्या होता है? ये छोटा सा होता है बट ड्यू टू सम रीजन इसका साइज बढ़ जाता है, तो आपको पेट में पेन होने लगती है, तब वो निकालना पड़ता है। अपेंडिक्स आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब वो क्या है? वो क्या करता है? वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब आपका जो है फंक्शनलेस ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में। कैकम के बाद कोलम में जाएगा, कोलन में असेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, और आपका ट्रांसवर्स कोलन होता है। उसके बाद छोटा सा पार्ट होता है रेक्टम, लास्ट पार्ट है
जो एनस में खुलता है, जो क्लोज रहता है किस द्वारा, स्पिंस्टर मसल्स द्वारा, और फाइनली जो इजेक्ट करना है वो आपका बाहर इजेक्ट कर देंगे। फाइन फाइन, एनी इश्यू विद दिस? रिविजन कर लेते हैं, डिफेक्शन हो जाएगी, इजेशन हो जाएगा। अब मुझे बताइए, सारी चीजें रिवाइज करते हैं हम। स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च को पचाएगा मेल्टोज में, कोई दिक्कत है? ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा भाई? प्रोटीन्स को पेप्टोन या पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। रेनिन मिल्क की कर्डल्स मिल्स टू प्रोड्यूस कैसिन प्रोटीन। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये देखो ये पेनक्रियाटिक जूस में है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, बताया था कि नहीं बताया था? इनका काम क्या है? ये स्टार्च को तोड़ेगा मेल्टोज में, ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में, ये भी प्रोटीन्स को तोड़ेगा छोटी छोटी पेप्टाइड्स में। ये क्या है? अमेल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर इंटेस्टाइनल जूस, लाइपेज, इसमें न्यूक्लियेजेस भी ऐड कर दो, इसमें पेप्टाइजेस भी ऐड कर दो। वो क्या है? आपके जो ये प्रोड्यूस हुए हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये इनमें प्रोड्यूस होते हैं, इन सबको सिंपल ग्लूकोज में तोड़ देता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसे हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लाइपेज भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। न्यूक्लियस क्या काम करता है? डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। गॉट इट और नॉट? समझो कि नहीं समझो? क्लियर है? ये बेसिक हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये देखो, फूड माउथ में गया, इंजेशन हुई, इंजेशन मतलब आपका अंदर लिया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो गई। फिर फाइमेक्स के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक में मेन डाइजेशन होती है पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स की। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सबकी। फाइन, इजेशन आपका फाइनली। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन होती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, हिंदी में भी लगवा दूंगा पीडीएफ में, समझो इस चीज को, समझ आया कि नहीं आया आज का टॉपिक? फिर एनएस से आपका वेस्ट निकल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, 20 के आसपास हर, लेकिन सिलेबस भी ज्यादा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका बेस कवर होना चाहिए, 9th 10th तक का आपका बेसिक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नाइन्थ टेंथ की एनसीईआरटी बिल्कुल रट्टा मार जाओ। एमसीक्यू सैटरडे को करवाऊंगा दोनों टॉपिक्स के। फाइन, एमसीक्यू हम सैटरडे को करेंगे, क्लियर है? एमसीक्यू हम सैटरडे को करते हैं इसके। फाइन, चलिए फिर आज का सेशन यही ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने क्या बोला है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दो सिस्टम करेंगे हम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास के लिए। ध्यान रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर? चलो फाइन, थैंक यू सो मच।